हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो है क्लैम 625 mg टैबलेट, जो कि कॉम्बिनेशन टैबलेट है एमोक्सलिन एंड पोटेशियम क्लैवुलेरिनेट टैबलेट। तो ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली ट्रीटमेंट में यूज़ होता है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, और ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो आप अगर आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर वो है 500 mg प्लस 125 mg। तो एमोक्सलिन की जो क्वांटिटी है वो 500 mg है और 125 mg जो है वो आप पोटेशियम क्लेवुलिनेट है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, क्लैम 625 mg टेबलेट का रिव्यू शुरू करने से पहले, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसका प्राइस, इसकी बेनिफिट, साइड इफेक्ट आपको बताने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इस टेबलेट के रिगार्डिंग सारी नॉलेज और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसमें छूट जाएगी तो आप प्लीज कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, मैं उस कमेंट को पढ़ के एज सून एज पॉसिबल आपका रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी। चलिए क्लैम 625 mg टेबलेट का रिव्यू शुरू करते हैं। जैसा कि आप प्रोडक्ट पर देख पा रहे हैं, जो एक कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया आपको कॉम्बिनेशन टेबलेट है वो है एमोक्सलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट का कॉम्बिनेशन है, जो कि पावर में आती है। एमोक्सलिन जो पावर में आ रही है वो 500 mg की पावर में आ रही है, और जो आपका पोटेशियम क्लेवुलिनेट है वो 125 mg की पावर में आ रहा है। प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफाई ऑलरेडी है। बैक साइड की बात कर लेते हैं। ऊपर बताया तो हमें डॉक्टर रेड्डीज का प्रोडक्ट है, काफी फेमस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड भी काफी इसको जाना जाता है। बैक साइड की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर बाइफर्केशन दे रखा है एमोक्सलिन का और पोटेशियम क्लेवेनेट का, और स्केड्यूल एज ड्रग है तो आप प्रिस्क्रिप्शन पे ही परचेज करें। डोसेज जैसा आपका फिजिशियन आपको बताए वैसे ले सकते हैं। मार्केट एड बाय डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड, जो कि है दिल्ली मेरठ रोड दुहाई गाजियाबाद में। अब मैं आपको बताता हूँ इसके प्राइस के बारे में। तो प्राइस जो है प्रोडक्ट के ऊपर वो है 196 रुपीज़, और क्वांटिटी जो आई है वो 10 टेबलेट की क्वांटिटी है 196 रुपीज़ में। एक्सपायरी ऑलमोस्ट 2 साल की एक्सपायरी के साथ ये प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग अगर सितंबर 2019 में हुई है तो ये अगस्त 2021 तक प्रोडक्ट चलेगा। तो 2 साल की एक्सपायरी के साथ ये प्रोडक्ट है, 24 मंथ की एक्सपायरी के साथ ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। अब मैं बताता हूँ इसके यूजर्स के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है इसकी जो पावर है 500 प्लस 125 इक्वल टू 625 है। तो ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो ट्रीटमेंट में यूज होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। एमोक्सलिन जो है इसके अंदर जो सॉल्ट एमोक्सलिन है वो बेसिकली बैक्टीरिया के जो बढ़ गए हैं उनको आपको ट्रीट करता है, और उसको जो प्रोसेस होता है उसको डिवीजन प्रोसेस होता है उसको स्लो करता है और रोकता है। वहीं क्लेवुलिनेट जो है वो आपका जो बैक्टीरिया बढ़ गए हैं उनको स्टॉप करने का काम करता है। तो ओवरऑल ये आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो उसको स्टॉप करने का काम करता है, उसको ट्रीट करने का काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्लैम 625 टेबलेट के यूजर्स के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और जो लंग और एयरवेज से जो इन्फेक्शन होते हैं स्पेशली उनके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। साइनसिस में प्रॉब्लम होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, आपके पेन होता है और आपको ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। स्किन पे अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो उसके ट्रीटमेंट में उसे यूज होता है इस टेबलेट का, क्लैम 625 mg टेबलेट का। तो ये एक और यूज है, और एक और यूज बताऊंगा स्टमक अल्सर में इसका इस्तेमाल होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपके स्टमक में अल्सर हो जाते हैं, आप खाने में पीने में आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे इसके यूजेज और बेनिफिट मैंने आपको बताया। अब मैं इसके साइड इफेक्ट की बात करता हूँ। प्राइस और बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं, क्वांटिटी किस क्वांटिटी में अवेलेबल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों पे अवेलेबल है अगर आप इसे परचेज करना चाहें डिस्काउंटेड प्राइस पे। ऑनलाइन नेटमेट्स पे अवेलेबल है, अभी 1 mg पे अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं जाके ऑनलाइन। और ऑफलाइन आप फार्मास्यूटिकल पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इजी इजली अवेलेबल है, इजी सॉल्ट है, और भी एक डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो इसको मैन्युफैक्चर करती हैं, मार्केट करती हैं,
तो आप इसी सेम सॉल्ट की टैबलेट भी परचेज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं, साइड इफेक्ट जो है वो रेयर हैं। अगर आप इसका यूज़ जो है वो लॉन्ग टाइम तक करेंगे तो साइड इफेक्ट ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि मेडिसिन का यूज़ जो है वो लॉन्ग टाइम तक ना करें, यही सजेस्ट करूँगा। जो साइड इफेक्ट है, एक तो जो कॉमन साइड इफेक्ट कई लोगों में देखा गया, आपका जो है टेस्ट होता है चेंज हो जाता है, फीका फीका लगता है आपको, तो उस वो एक कॉमन साइड इफेक्ट है। आपका ड्राई माउथ हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने पानी नहीं पिया, आपको बहुत सारे पानी की ज़रूरत है, तो आप पानी पीजिए साथ में इसके। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, पानी पीने से आपका जो टॉक्सिन होते हैं वो आपके यूरिन के साथ निकल जाते हैं बाहर, तो वो फ़ायदा है आपको, साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं किसी भी टैबलेट के। और जो है एक कई लोगों में आपका स्टमक अपसेट हो जाती है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है जो मैंने बताया आपको, अगर लॉन्ग टर्म पर यूज़ करते हैं। बाकी जो हेडेक वगैरह है, कई लोगों में आपको वॉमिट भी दिखा गया, बट वो रेयर साइड इफेक्ट है, और 1,000 में से एक या दो लोगों को ये साइड इफेक्ट आए हैं। तो ये था क्लैम 625 mg टेबलेट का रिव्यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है क्लैम 625 टेबलेट के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट में मैंशन कीजिए, मैं उस कमेंट को पढ़ के एज सून एज पॉसिबल आपका रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।